नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल जॉब लॉट गुरु में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, आप रेस किस तरह से पार कर सकते हैं। रेस के लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट जो टिप्स है वो बताऊंगा। और जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो फिजिकल है उसमें जो मेन पॉइंट होता है वो रेस ही होती है। अगर आपने रेस पार कर ली तो लगभग सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका हाइट और चेस्ट सही है। अगर आपका चेस्ट कम है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना चेस्ट है वो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो वह भाग अगर कोई क्लियर कर लेता है तो समझिए उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि वह भाग है वो ज़्यादा हार्ड था। अगर उनका क्लियर हो गया तो लगभग सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो फिजिकल के लिए जो मेन होता है वो होता है रेस। अगर आपने रेस क्लियर कर ली और आपको अगर रेस करना अच्छा आता है और किस तरह से करना चाहिए तो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप रेस है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं।
दोस्तों अगर आप रेस करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अकेले करते हैं तो उतना बेटर नहीं है जितना आप अगर एक दो के साथ में अगर आप दौड़ते हैं तो वो बेटर रहता है, कंपटीशन रहता है, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि मान लीजिए वो आगे जाएगा, वो आगे जाएगा तो इससे पहले मैं आगे जाऊँगा, तो एक प्रकार का वो कंपटीशन हो जाता है। तो दोस्तों आप जब भी दौड़ करें एक तो सावधानी रखें कि कहीं गिर ना जाए, और गिरने की अगर जगह हो एक तो साफ सुथरी जगह हो, वहाँ पर प्रकार का जैसे ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं हो, तो अपने शरीर का है वो पूरा ध्यान रखकर आपको रेस करनी चाहिए। अगर आप कहीं गिर जाते हैं या फिर लग जाती है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा रेस के लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपनी जो रेस है वो एक समान रखें। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जो वीडियो में दिखाया गया जो एक नंबर जो बंदा दौड़ रहा है, जो मित्र दौड़ रहा है, उनकी जो आपने रेस देखी वो जो सेम स्टेप है, वो सेम राउंड में जो सभी राउंड में उनके जो स्टेप है वो एक समान है। मतलब कि वो दौड़ता है जो पहले राउंड में जो पहले राउंड में स्पीड थी वही आखिरी राउंड में होती है। क्योंकि अगर आप एक राउंड अगर एक सी स्पीड में दौड़ लेते हैं, एक जैसी स्पीड में, तो उसके बाद में आपको इतना ताकत नहीं लगाना होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको भागा जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आप अगर लास्ट राउंड अगर बचता है और आपके पास समय कम है तो आप जोर से भाग सकते हैं, लेकिन बाकी राउंड में चाहे आप 3 चक्कर लगाएं, 2 चक्कर लगाएं, 1 चक्कर लगाएं, कितना भी लगाएं, लेकिन आपकी स्पीड है वो भागने की एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में तेज दौड़े और लास्ट चक्कर में आप है बहुत ही धीमी गति से दौड़े, तो ऐसा करने से आपसे रेस पार नहीं होगी, दौड़ पार नहीं होगी। क्योंकि आपको जो चारों राउंड है या फिर आपके जितने भी राउंड है, आप जितना भी दौड़ते हैं उसकी जो स्पीड आपने आपकी भागने की वो एक समान होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि भाई मेरी स्पीड है वो नॉर्मल नहीं रखनी है, आपको आपको तेज भी नहीं दौड़ना है और इतना धीरे भी नहीं दौड़ना है कि रेस पार ना हो, तो बीच की जो स्पीड होती है वो आपको रखनी होती है। और जहाँ तक कोशिश कीजिए कि आप है जो स्पीड है, अगर आप स्पीड है वो एक समान रखते हैं सभी राउंडों में, अगर आपको तेज़ दौड़ने का शौक है या फिर आप तेज़ दौड़ सकते हैं तो आप जो चारों राउंड है उसमें स्पीड है वो तेज़ रखें। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट राउंड में बहुत ही स्लो हो और या फिर लास्ट राउंड में आप तेज़ दौड़ें, तो ऐसा करने से नहीं होगा, आपकी स्पीड है वो एक समान रखनी है। तो दोस्तों यह तो था आज का हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।